ये मेरी प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी बुआ है, गोलू मोलू सी, और ये है बुआ की बेटी। दोनों सेम सेम दिख रही हैं, गोलू मोलू सी। तो दीदी आपको बुआ बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हेलो, हाय सभी को। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जियादी फैमिली ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं अपनी बुआ के नाती के नामकरण में, और ये मेरी मौसी है। मौसी भी मुझे वहाँ मिल गई है। हाय हाय मौसी, कैसे हो आप? जन्मदिन पे गई थी तो एक जच्चा बच्चा गीत तो बनता ही था, तो आइए। अभी हम आ चुके हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने का उनके घर से थोड़ा सा दूरी में, बीच में थोड़ी सी दूरी है। यहाँ पे प्लॉट खाली है, इस वजह से खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो आइए खाना खा लेते हैं। तो ये है हमारे बड़े फूफा जी। फूफा जी आप कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। प्रणाम। खुश रहो, सौभाग्यवती रहो। आपने खाना खा लिया? बहुत अच्छा हुआ कि तुम हमारे रिश्तेदार तो पहले से थी। हाँ। और हमारे दीपन से तुम्हारी शादी हो गई, तो और तुम डबल रिश्तेदार। आप इनको पहले से जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से है। मेरे साथ अम्बरपाली में रहे हैं। अच्छा। मैं भी अम्बरपाली ऑफिस में था और ये MBA करते थे। सही हो गया, मतलब साथ हो गया यहाँ पे। साथ हो गया। दीप जी वैसे बोल रहे थे कि मैं किसके साथ बोलूंगा, वहाँ कौन है मेरी पहचान का। वही तो। चलो, बहुत खुशी हुई आज आप दोनों को साथ में देख के। लेकिन तुम भी साथ में आ गई तो और ज्यादा अच्छा हो गया। हाँ। लेकिन आप लोगों ने खाना खा लिया? लकी रहा कि तुम गाँव गई हमारे, वो दिन में वहाँ नहीं था। हाँ। सॉरी फॉर दैट। एकदम बढ़िया। हाँ, अभी मैं जा रहा हूँ, अभी तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ। और ये है मौसा जी। मौसा जी खाना खा लिया? मौसी लगाने लग गए, कितनी भूख लगी है। तो खाने के लिए मौसी आगे आगे से लगी हुई है। तो खाने में क्या क्या बना है आप सभी को मैं ये दिखाऊंगी। बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ और आइए खाने पीने का मजा ले लेते हैं थोड़ा सा भूख। ये है न्यू बोर्न बेबी, जो कि जिसके नामकरण में हम यहाँ पे आए हुए हैं, उसका बड़ा भाई। नाम क्या है बाबू? जयस। तो दीप जी, मौसी, हम लोगों ने खाना खा लिया है। अब मैं बुआ के साथ बैठ गई हूँ यहाँ पे। बुआ खाना खा रही है अभी। छोटी सी क्यूट सी बुआ है, गोलू मोलू सी, और ये है बुआ की बेटी। दोनों सेम सेम दिख रही हैं, गोलू मोलू सी। तो दीदी आपको बुआ बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दूसरी बार बुआ बन गए हैं, है ना? तो कैसा लग रहा है आपको? और कुछ बुआ को भी बहुत बहुत बधाई यहाँ दादी बनने की दूसरी बार। तो ये दोनों, ये बुआ की ननद और ये हैं जेठानी जी, यानी कि हमारी बड़ी बुआ। तो हम सभी ने यहाँ पे खाना खा लिया है। मैंने मौसी मौसी खाना खा लिया, पेट ज्यादा भरा हुआ है, इससे बाद में कर सकते हैं।
खाना खाने के बाद अब हम लोग घर को जाने लग गए हैं। बस विभव को टीका लगाना है, उसके बाद हम घर को चल देंगे। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो दीप जी, आज फर्स्ट बार मेरी मायके की तरफ से कोई भी प्रोग्राम में, फर्स्ट प्रोग्राम में आए हुए थे। तो दीप जी, आपको सबसे मिलके वहाँ पे कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। तो टोनी को मैं एक कमरे में रख के आई हूँ, बिल्ली के बच्चे को। टोनी भी रो रहा होगा वहाँ अकेले अकेले। तो दीप जी तो चले गए अपनी ड्यूटी को, तो मैं यहाँ से जाऊँगी ऑटो में। आइए आप सभी भी हल्द्वानी के नज़ारे देख लीजिए। दो तीन दिन से लगातार बारिश होने में है, इस वजह से गर्मी से बहुत ज़्यादा राहत मिली हुई है। तो आइए, घर भी पहुंच के मुझे आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं अपने मायके की साइड के रिलेशन वालों से मिली, अपनी मौसी, दीदी, सभी बुआ, सभी लोगों से मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज का ब्लॉग मैं अपना यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, पहला।